सपोज दीज आर द मार्क्स स्कोर्ड बाई दीज स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हैं कुछ, उन्होंने इतना मार्क्स स्कोर किया है ना, दीज आर द मार्क्स। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, अब मेरे मैनेजर बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट चाहिए जिसमें कि ये नाम और टाइटल अलग हो जाए, अजय अलग हो जाए एक कॉलम में आ जाए, सिंह अलग कॉलम में आ जाए, राहुल एक कॉलम में आ जाए, कटारिया अलग में आ जाए, मुकेश एक आ जाए है ना, दूसरे में रावत आ जाए, इस तरह से आई वॉन्ट टू सेपरेट दिस नेम, क्लियर। तो पहला तो ये ऑप्शन होना चाहिए, और सेकेंड ऑप्शन इफ दैट गाई हैज स्कोर्ड मोर देन 50%, 50 या 60 जो भी आप यू आर गोइंग टू पुट सम लाइन, तो अगर वो डिमार्केशन लाइन है कि 50% से ऊपर और 60% से ऊपर, देन आई एम गोइंग टू पुट सम रेड मार्क या ब्लू मार्क या पिंक कुछ कलर मैंने कोडिंग कर दो। और ये सपोज एवरी मंथ सम टेस्ट आर गोइंग ऑन, और हर महीने ये मेरे पास आ रहा है, क्लियर। तो एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू आई मीन सेपरेट ऑल दिस नेम है ना, बार बार इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, बार बार हाईलाइट नहीं करूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक मैक्रो है ना, मैक्रो करके एक बना दूंगा, और वो मैक्रो क्या हो जाएगी कि उस मैक्रो के बेस्ड में आई एम गोइंग टू फॉर्मेट दैट पर्टिकुलर टेबल ऑटोमेटिकली, जो भी फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करूंगा मैं दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मेटेड, तो ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, क्लियर। और हम लोग उसको देख भी सकते हैं उसके अंदर, क्लियर। तो अब देखते हैं, अब सबसे पहले क्या करना है, यू आर सपोज टू गो इन फाइल है ना, फाइल में जाना है, वी आर सपोज टू गो इन ऑप्शन, अगर कॉपी पेन है तो इसको लिख भी लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, दोस्त हु आर हैविंग कॉपी पेन पास में है तो, या लैपटॉप में है तो स्टेप्स लिख लीजिए कि पहले मैं क्या किया, फाइल में गया है ना, वी आर सपोज टू क्लिक फाइल, फिर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन क्लिक किया, OPTION करके है ऑप्शन, देन वी आर गोइंग टू गो फॉर कस्टमाइज रिबन है ना, यही किए थे लास्ट टाइम भी, कस्टमाइज रिबन। इसमें वी आर सपोज टू चूज दिस डेवलपर ऑप्शन, ये जो डेवलपर ऑप्शन है इसको चेक करना है, ये पहले आपके पास नहीं होगा ये डेवलपर ऑप्शन, अभी मैं दिखाता हूं, अर्लियर इट वॉज देयर, अभी इसको मैंने ऑन किया था, अभी देखिए यहां पर कोई भी डेवलपर ऑप्शन नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू सी द मेन्यू, थोड़ा और बड़ा करता हूं, मैग्नीफायर यूज कर लो, मैग्नीफायर, तो ऊपर में मैं दिखाता हूं कि इसमें मान लीजिए 200% कर दिया, यहां पर देखिए कहीं पर भी आपको है ना डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। सो आई थिंक क्लियर, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, व्यू इज द लास्ट वन है ना, कहीं भी डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है ना, कहीं भी ऐसा ऑप्शन है नहीं डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसको बंद ही कर देता हूं, इस केस में क्या होगा कि इफ आई एम गोइंग टू ओपन दैट डेवलपर ऑप्शन, तो वो यहां पर शो करने लगेगा, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, कैसे आएगा, द सेम प्रोसेस, वी हैव टू गो फॉर फाइल, क्लियर, ऑप्शन है ना, कस्टमाइज रिबन, सो दिस इज कॉल्ड रिबन, ये पूरा का पूरा एक रिबन है, इसको रिबन का नाम, रिबन के नाम से भी जाना जाता है, माइट बी नोइंग आप लोग पता होगा रिबन, ये देखिए रिबन, कस्टमाइज रिबन, ये रिबन कैसे है, अगर सपोज मैं इसको बंद करता हूं, अब ये देखिए मैं यहां से इसको ये रिबन को हटा भी सकता हूं, मान लीजिए आपके पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो ये इस रिबन को हटा सकता हूं, इजंट इट, कैसे करना है, यहां पर जाके रिबन को क्लिक कर देना है ना, सो बिलो द रिबन, तो ये रिबन के नीचे आ गया, जो ऑप्शन था ये जो आपका ये था आपको दिख रहा होगा, सो अबव द रिबन, अब ये रिबन के ऊपर चला गया, ये जो टॉप में जो दिख रहा है वो रिबन के ऊपर आ गया, गेटिंग। तो इस तरह से आप ऑप्शन इसको चूज कर सकते हैं रिबन का, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिबन, उसी को रिबन बोलते हैं, मोर कमांड में ये सारा उसी जगह पे हम लोग आ गए, कस्टमाइज रिबन, ये जो हमने बात किया था, तो यहां से भी आप कस्टमाइज रिबन पे आ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिबन, ये पूरा का पूरा जो है ये रिबन है ना, तो रिबन क्लियर हुआ, यहां आपने देखा होगा रिबन अभी हम लोगों ने किया, ये सो बिलो रिबन
है ना, इसके बिलो रिबन को शो करना है या मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना, तो ये सारा चीज इसके अंदर आ रहा है। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, रिबन का क्लियर हो गया। ओके अब आते हैं, इसको फाइल में जाना है, ऑप्शन में दो तरीके से बताया था, एक तो डायरेक्ट वहां से इस बटन से भी जा सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन में क्लिक करना है। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। फिर कस्टमाइज रिबन, ये क्लिक करना है कस्टमाइज रिबन। सो कस्टमाइज रिबन के बाद दोस्त हुआ डूइंग पैरेलली, अच्छी बात है, इसको पैरेलली अगर लैपटॉप वगैरह है तो साथ के साथ भी कर सकते हैं इसको, तो ज्यादा क्लियर होगा। फिर यहाँ पर डेवलपर वाले में आना है, ये देखिए डेवलपर का ये दिखा होगा, दिस इज डेवलपर, डेवलपर वाले पे आना है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो ये देखिए डेवलपर, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ मैं, ये डेवलपर ऑप्शन पे आना है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद वी आर सपोज टू चेक दिस, इसको टिक करना है, क्लियर। तो अभी देखिए यहाँ पर कहीं भी डेवलपर करके ऐसा टॉप में नहीं दिख रहा होगा, होम इज देयर, इंसर्ट इज देयर, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, तो ये सारा चीज है, लेकिन इसमें अभी तक डेवलपर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। सो द मोमेंट आई एम गोइंग टू क्लिक दिस डेवलपर ऑप्शन, यहां से मैं डेवलपर ऑप्शन क्लिक करूंगा, है ना। कैसे गया मैं, पहले फाइल में गया, फिर ऑप्शन में गया, फाइल के अंदर ऑप्शन में जाने के बाद थर्ड स्टेप क्या था, कस्टमाइज रिबन, ये आपका खुल जाएगा रिबन, इसमें आपको डेवलपर ऑप्शन क्लिक करना है। तो मैं इसको डेवलपर क्लिक करने जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने डेवलपर क्लिक किया यहाँ पर, है ना, और ओके अभी प्रेस नहीं किया, ओके यहाँ नीचे बटन है, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ओके बटन। तो अब देखिए टॉप में व्यू के जस्ट बाद डेवलपर ऑप्शन आना चाहिए, तो देखते हैं, आई एम गोइंग टू क्लिक ओके, तो टॉप में देखिए व्यू के बगल में डेवलपर ऑप्शन आ गया। ये पार्ट क्लियर हुआ, व्यू के जस्ट बगल में डेवलपर ऑप्शन, ये चीज आ गया क्योंकि मैंने उसको इंक्लूड कर दिया, चेक कर दिया उसको, है ना, टिक कर दिया। तो यहां तक क्लियर है। अब डेवलपर ऑप्शन आने के बाद इसको मैं हटा देता हूं, नाउ डेवलपर ऑप्शन आने के बाद अब वी आर सपोज टू क्लिक दिस डेवलपर ऑप्शन। अब इस डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है, ये आ गया डेवलपर ऑप्शन, इसमें सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं कर सकता हूँ। इसमें देखिए रिकॉर्ड मैक्रो लिखा हुआ है, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर रिकॉर्ड मैक्रो, और वंस वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस मैक्रो, वी आर गोइंग टू रन द मैक्रो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर बटन, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द मैक्रो, इसमें जो जो ऑपरेशन मैं करूंगा, ईच एंड एवरी ऑपरेशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड इट इज गोइंग टू बी सेव्ड फॉर फर्दर यूज, जो भी आगे चल के फॉर्मेटिंग करनी होगी या जो भी उसके अंदर फॉर्मूला आपने लगाया होगा, वो सारा चीज एज इट इज हो जाएगा, क्लियर। तो देखते हैं, अब मैं रिकॉर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूं, यहां दिख रहा होगा मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, आई थिंक विजिबल, यस सर, ठीक है। तो यहां पर रिकॉर्ड मैक्रो करके आपको दिख रहा होगा, तो इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये रिकॉर्ड मैक्रो है, तो ये रिकॉर्ड मैक्रो मैं बटन क्लिक करूंगा, उसके बगल में मैक्रो है, विजुअल बेसिक में भी दिखूंगा। सो इन दिस विजुअल बेसिक वी आर गोइंग टू सी द कोड, जो इसके करेस्पॉन्डिंग कोड जनरेट होगी, प्रोग्रामिंग जनरेट होगी, वो विजुअल बेसिक में होगी, है ना। तो पहले विजुअल बेसिक भी किए जाते थे, विजुअल बेसिक ओरेकल के साथ एक फ्रंट एंड होता था, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो दिस इज विजुअल बेसिक इज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोडक्ट, तो उसमें आप फ्रंट, दिस इज फ्रंट एंड, मतलब जो सामने बटन, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सब जो होता है वो विजुअल बेसिक में बनाते थे, VB6 के नाम से बहुत फेमस हुआ था, हम लोगों ने भी ट्रेनिंग किया था दिल्ली में। तो विजुअल बेसिक में सारी कोडिंग आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और मैक्रो में क्या है कि वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द मैक्रो, जो भी मैं नाम दूंगा मैक्रो का, वो आपको नाम इसमें डिस्प्ले होगा जब मैं क्लिक करूंगा मैक्रो को। और सबसे पहले वी आर सपोज टू रिकॉर्ड, अब मैं रिकॉर्ड क्लिक करूंगा, तो इट इज गोइंग टू आस्क द नेम कि किस नाम से आप मैक्रो को सेव करना चाहते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लिक दिस मैक्रो, देखिए मैक्रो क्लिक करूंगा, एंड वंस आई क्लिक दिस मैक्रो, अब देखिए इट इज आस्किंग फॉर दिस वन, अब ये देखिए पूछ रहा है कि मैक्रो का नाम क्या होगा, है ना, टॉप में दिख रहा होगा आपको, मैक्रो का थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, मैक्रो का नाम पूछ रहा है। सो आई एम गोइंग टू गिव द नेम ऑफ दिस मैक्रो, कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज इसका नाम दे दिया, क्या दे दूं इसको, IT रैम, है ना, IT MBA, ऐसा कर देता हूँ, MBA, IT MBA।
सो आई एम गोइंग टू गिव द नेम आईटी एमबीए, कुछ ऐसा नाम दे दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एमबीए अंडरस्कोर या कुछ ऐसे डाल दीजिए। और शॉर्टकट की आप देना चाहते हैं तो दिस इज ऑप्शनल, सो यू मे गिव शॉर्टकट की ऑल्सो, जैसे कंट्रोल टी कर दिए, कंट्रोल पी कर दिए, तो शॉर्टकट की से भी मैक्रो आपका रन करने लगेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो हियर यू मे और मे नॉट गिव, आपका ऑप्शन, आपका चॉइस है। तो कोई भी चॉइस, सपोज मैं दे देता हूं इसको कंट्रोल ई, है ना, कंट्रोल ई अगर मैं प्रेस करूंगा तो जो आई टी एम बी ए है वो एक्टिवेट हो जाएगा, रन करने लगेगा, क्लियर। एंड देन अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू क्लिक ओके बटन, ठीक है, ये ओके बटन जो यहां पर दिख रहा होगा, है ना, ओके बटन, ओके कैंसिल दो है, तो मैं ओके बटन क्लिक करने जा रहा हूं, ठीक है। नाम क्या दिया मैंने, दिया आई टी एम बी ए, शॉर्टकट में दे दिया कंट्रोल ई, कंट्रोल लिखा हुआ होगा, प्लस आपको जो भी की, कीबोर्ड के की से आपको शॉर्टकट की बनाना है, है ना, सो बाय यूजिंग कंट्रोल ई वी कैन रन दिस मैक्रो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहता है, दिस इज ऑप्शनल, कि किससे रिलेटेड है, आपको फ्यूचर में ध्यान नहीं है तो आप देख सकते हैं इस पे देख के, है ना, सो दिस इज ऑप्शनल एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू क्लिक ओके। जैसे मैं ओके करूंगा तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अभी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी रिकॉर्ड मैक्रो भी है, जब मैं क्लिक कर दूंगा सो इट इज गोइंग टू राइट स्टॉप मैक्रो, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन स्टॉप करने का होगा। तो अभी रिकॉर्ड मैक्रो शो कर रहा है, क्लियर। अब मैं ओके क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या शो करेगा, स्टॉप मैक्रो, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए, क्लियर, रिकॉर्ड मैक्रो की जगह स्टॉप मैक्रो ऐसा दिखाना चाहिए। तो देखते हैं, तो लेट मी क्लिक दिस ओके। तो जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया तो यहाँ दिखा रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, क्लियर, कि जो भी मैंने रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूं वो रिकॉर्डिंग अब चल रही है, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग, क्लियर। जब इफ आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय टास्क आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू क्लिक दिस स्टॉप रिकॉर्डिंग, जब खत्म हो जा कर लूंगा सारा टास्क तो मैं स्टॉप कर दूंगा रिकॉर्डिंग को, फाइन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर करना क्या है, क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं। अभी इसको बंद करता हूँ। सो पहला स्टेप मैं ये चाहता हूँ कि जो नाम, और क्योंकि मैनेजर को ऐसा चाहिए कि नेम अलग कॉलम में हो, टाइटल अलग कॉलम में हो, और जो मार्क्स ग्रेटर देन 50 बच्चा पाता है, है ना, इफ दैट स्टूडेंट इज स्कोरिंग मोर देन 50% सो दैट पर्टिकुलर मार्क्स शुड बी हाईलाइटेड, क्लियर। और भी कई चीज है ना आप दिखा सकते हैं इसके अंदर, तो अभी छोटा सा ये करते हैं क्योंकि इसके अंदर और जितनी फंक्शनैलिटी ऐड करते जाएंगे सो वी मे नॉट बी गेटिंग टाइम, और टाइम भी वही एक घंटे है। तो अभी इतना करते हैं कि नाम को सेपरेट करना है, और डेलिमिटर इज योर स्पेस, डेलिमिटर मतलब जो बीच का जो कैरेक्टर है जिससे मैं अलग करूंगा वो स्पेस है, कहीं कहीं कॉमा भी हो सकता है, कहीं कोलन हो सकता है, है ना, राइट नाउ वी आर हैविंग स्पेस, दो वर्ड के बीच में स्पेस डेलिमिटर है, क्लियर। डेलिमिटर मतलब सेपरेटर, जो सेपरेट कर रहा है दो वर्ड को या दो अलग अलग फील्ड्स को, हियर दैट फील्ड, दैट पर्टिकुलर फील्ड इज द सेपरेटर बिटवीन दीज टू वर्ड इज योर स्पेस। यहां पर कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है, हैश सिंबल या कुछ एट द रेट ऐसा कुछ नहीं है, तो जो सेपरेटर है वो स्पेस है, क्लियर। अच्छा तो अब देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टॉप रिकॉर्डिंग यहां शो कर रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं जो जो करूंगा वो सारी रिकॉर्डिंग होगी मैक्रो में, क्लियर। यही देखा था हमने, मान लीजिए पहला काम कर रहा हूं कि इसको बोल्ड कर लिया, ये सारी रिकॉर्डिंग होने लगी, है ना। दूसरा काम किया मैंने इसको ये करके, देन आई एम गोइंग टू गो फॉर टेक्स्ट में, मुझे उसको मान लीजिए वो करना है, डेवलपर में गए, सो आई एम सपोज टू गो फॉर द टेक्स्ट। अब इसमें आपको चेक करना कि टेक्स्ट वो पार्ट कहां पर है। हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है बेटा, टेक्स्ट पार्ट को सेपरेट करना है, अदर वे राउंड राइट क्लिक करके फिर हम लोग उसको देखेंगे। सो फॉर द टाइमिंग आई वांट टू सेपरेट दिस, ये जो पूरा हमने किया है इसको, उस डेटा को, टेक्स्ट डेटा को सेपरेट करना है। सो अगर यहां नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन हम लोग कुछ ट्राई करेंगे, फिल दिस इज देयर, बिकॉज स्लाइट डिफरेंस इज देयर, है ना, 2019 में और 10 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
हल्का फुल्का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो लेट मी चेक, एक बार मैं देख लेता हूँ, आई थिंक हाँ यहाँ डेटा मिल गया। तो दिस डेटा इज देयर, यहाँ पर देखिए डेटा है, हाँ दिस डेटा इज देयर। और यहाँ पर देखिए डेटा के अंदर ये देख रहे होंगे आप टेक्स्ट टू कॉलम, ये क्लिक करना है। आर यू गेटिंग? मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सो वी आर सपोज टू गो फॉर दिस डेटा, डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, जो टेक्स्ट है उसको सेपरेट कॉलम में मुझे डिवाइड करना है, अजय अलग कॉलम में हो जाए, है ना। तो इसके पहले व्हाट यू आर सपोज टू डू, एक कॉलम मुझे और लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर ले रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन कॉलम, है ना, एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ। क्यों, ए के बाद बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी बी में क्या होना चाहिए, उसका टाइटल। तो मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना होगा, सो आई हैव इंसर्टेड वन कॉलम। देखिए एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, ब्लैंक कॉलम, इसमें वी आर गोइंग टू पुट द सरनेम, है ना, जो टाइटल है वो यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर? तो सरनेम यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए सरनेम आने के बाद अब मैं इस डेलिमीटर को अलग कर रहा हूँ। फिर से मैं गया, डेटा के अंदर जाना है, बस ये ध्यान रखना कि वो कहाँ पर आपका सिचुएटेड है, डेटा के अंदर जाना है। क्लियर? और टेक्स्ट टू कॉलम ये फील्ड मुझे चूज करना है, डेलिमिटेड, है ना, सेपरेटर जो है, ठीक है, इसका डेलिमिटेड किससे डेलिमिटेड है, नेक्स्ट करना है। सो इट इज गोइंग टू आस्क द डेलिमिटर्स, यहां दिख रहा होगा डेलिमिटर्स, मैग्नीफाई करूं क्या, मैग्नीफायर थोड़ा सा कर लेता हूं। तो यहां देखिए ये विंडो को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड डेलिमिटर, यहां पर दिख रहा होगा आपको DELIMITERS। तो डेलिमिटर्स मतलब सेपरेटर, है ना, दो वर्ड के बीच में क्या सेपरेशन है, टैब के थ्रू है, है ना, या सेमी कॉलन है, या एट द रेट है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस टैब, टैब नहीं है, रादर एक स्पेस है, दो नाम के बीच में स्पेस है, SPACE, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने स्पेस को, राइट राइट दिख रहा है ना, तो स्पेस को क्लिक कर दिया, स्पेस को थोड़ा हाईलाइट कर दिया मैंने स्पेस को। सो आफ्टर क्लिकिंग दिस वी आर सपोज टू गो फॉर नेक्स्ट। क्लियर? देखिए एक डिमार्केशन लाइन बन गया है, अजय और सिंह यहाँ पर देखेंगे तो एक डिमार्केशन लाइन बन गई है, देखिए अपने आप जैसे मैंने स्पेस किया। क्लियर? नाउ इट इज रेडी टू सेपरेट दिस टू नेम, बहुत जगह काम आता है ये। क्लियर? अच्छा, अब ये सेपरेटर मैं सेपरेट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गो फॉर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक किया, देखिए अपने आप वो समझ गया कि इसको अलग करना है, इसको अलग करना है बाई यूजिंग दैट पर्टिकुलर सिंटेक्स, ठीक है। फिनिश, अब मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही फिनिश किया तो जो टाइटल था आप देख रहे होंगे, तो ये टाइटल अलग उसमें आ गया, इसको मैं हटाई देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए और बी है ना, इसको एसेंड कर दीजिए, सर नेम कर दीजिए इसको। तो आप देख रहे होंगे कि अजय सिंह अलग 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 कॉलम में हो गया, ए में ये है, बी में ये हो गया, सी में ये हो गया, या ऐसा कीजिए इसको आप, अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं सारे को सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट डायगनली पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। गेटिंग? अब मैं इसको लाइन से मैं कर दूंगा, बॉर्डर इसका दे दूंगा ऑल बॉर्डर, है ना, सो वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अब सेपरेशन थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कि दिस इज सेपरेट, ए इज सेपरेट, सरनेम इज डिफरेंट, मार्क्स इज डिफरेंट, तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें हाँ और कुछ फॉर्मेटिंग करनी, अगर इंटरेस्टेड है और कुछ फॉर्मेटिंग करना है वो भी कर सकते हैं कि सारे सेंटर्स में हो, क्लियर, या सिर्फ मार्क्स जो है वो सेंटर पे हो, इस तरह से कुछ। ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैक्रो में रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लियर? कैसे, कहाँ मैक्रो है, डेवलपर में, डेवलपर में जब आप देखेंगे, अभी स्टॉप नहीं किया मैंने रिकॉर्डिंग, गेटिंग? अच्छा, इसके बाद भी कुछ आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि सपोज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है कि उसको रेड करना है या ब्लैक करना है, अगर ग्रेटर देन 50 लेना है, ग्रेटर देन 60 लेना है, उसको हाईलाइट करना है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी के अंदर ऑलरेडी है, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, जो भी देना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, है ना, कलर कोडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये फिर से बताऊं,
मैग्नीफायर किया। इसमें कहाँ जाना है, सबसे पहले होम पे जाना, होम टैब यू आर सपोज टू क्लिक, है ना। होम टैब के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जानी है, तो यू आर सपोज टू क्लिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। यू आर सपोज टू क्लिक वंस, एक बार क्लिक करना है इसको, है ना। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इफ यू आर गोइंग टू क्लिक दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, इसमें मुझे पहला ऑप्शन लेना है, क्लियर। ये ग्रेटर देन जो पहला है, तो मैं क्लिक करता हूँ ग्रेटर देन। जैसे ही ग्रेटर देन क्लिक किया, सो वी गॉट दिस विंडो, है ना। एक ग्रेटर देन ये वाला विंडो आपको दिख रहा होगा, ग्रेटर देन सिंबल दिख, है ना। अब ग्रेटर देन किससे ग्रेटर देन, क्लियर। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन अगर 60% के ग्रेटर है तब वो काम करे। रवि आपका वो माइक खुल गया है ना, रवि रवि इज देयर, रवि सुन रहे हैं, रवि माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो मैंने देखिए 60 लिख दिया, फॉर्मेट सेल ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 60 से है तो वो उसकी कलर कोडिंग कर दे, ठीक है। तो मैं ठीक है कर देता हूँ, और यहाँ कलर जो भी चाहिए आपको बाय डिफॉल्ट, सपोज मैं रेड रहने देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और लग रहा क्लिक नहीं हुआ, फिर से मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन 60 हमने शायद लिया था, तो ग्रेटर देन 60 जैसे ही लिया तो देखिए आपकी कलर कोडिंग हो, है ना। ये देखिए बता भी रहा कि किस कलर से आपको करना है, किस कलर से आप, यू मे चेंजेस आपके अनुसार है, जैसा आपको चाहिए उस तरीके का आप चेंज कर सकते हैं, है ना। इट इज ऑन योर चॉइस, क्लियर। तो जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से, सपोज यही रहने देते हैं कि रेड कलर का वो बन जाए, क्लियर। तो है ना, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट होगा वो डार्क रेड होगा, ठीक है, चलिए ओके कर दिए। अब देखिए जिसका जिसका 60 से ऊपर था उसको उसने हाईलाइट कर दिया, गेटिंग। So 49 is less than 60, 58 is less than 60, 41 is less than 60, 39 is less than 60. So it has highlighted the entire content. And अपने आप वो हाईलाइट कर दिया, क्लियर। तो अभी इतने ही रखते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए 3-4 स्टेप्स हमने रखा, क्लियर। स्टेप रखा कि पहले नाम को अलग किया, नेम और सरनेम को, दूसरा स्टेप लिया कि जो परसेंटेज था वो परसेंटेज को मैंने अलग कर लिया, गेटिंग। जैसे आपका 39 है, लेस देन 60 को ले लिया और ग्रेटर देन 60 ले लिया, तो ग्रेटर देन 60 वाले को हाईलाइट कर दिया, ये बच्चे पास हैं, 60% पासिंग मार्क्स है, मान लीजिए एमटेक लेवल का है या पीएचडी लेवल का है, तो अब इसमें जो मैंने किया वो 60% का कट ऑफ रखा है, गेटिंग। तो 60% से जो भी ऊपर होंगे वो रेड कलर का इस तरह से, और बैकग्राउंड लाइट रेड या पिंक पिंकिश टाइप का वो आ गया, तो ये मैंने ये किया। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही थी, देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग ये ऑप्शन आ रहा है, isn't it? अब मैं ये क्लिक करूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, क्लियर। तो है ना, उसको वो मैग्नीफायर की जरूरत नहीं है, स्टॉप रिकॉर्डिंग मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, क्लिक कर दिया। तो जैसे क्लिक किया तो ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई। कैसे चेक करेंगे कि सेव हुई है कि नहीं, तो मैं मैक्रो बगल वाला बटन जो है मैक्रो क्लिक करूंगा, सो लेट मी चेक, मैक्रो क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि ये सेव हो चुका है, ITMBA यही नाम दिया था मैंने। अब इसको मैं रन कर सकता हूँ, कोई भी अपने नए एक्सेल सीट में जब भी होगा, जब भी कोई बच्चे उस बच्चों को मार्क्स का वो होगा, वो नए एक्सेल सीट में आएगा, वो मैं बार बार उसको चेंज नहीं करने की जरूरत है, जो भी मैं अप्लाई इसमें किया है वही इस मैक्रो में दूसरे सीट के लिए भी किया जा सकता है, या दूसरे वर्कशीट के लिए भी किया जा सकता है। तो देखते हैं, तो ये मैक्रो बन गया अपना। अब नेक्स्ट मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, 7 स्कोर किया, ठीक है। सो दिस डेटा इज गिवन टू अस, ये डेटा तो हम लोग को दिया हुआ है, क्लियर। अब मैं इसके ऊपर मैक्रो रन करूंगा, मैक्रो में क्या किया था मैंने कि जो नाम है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, गेटिंग, मतलब टाइटल अलग हो जाएगा, सरनेम और आपका नेम अलग रहेगा, परसेंटेज मार्क्स जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, है ना। यही दो ऑप्शन हमने चूज किया था इसके अंदर, है ना, इसके अलावा तो अभी कुछ किया नहीं मैंने, गेटिंग। तो अब देखते हैं इसमें मैक्रो को रन कराते हैं, ठीक है। तो मैं गया मैक्रो में, मैक्रो में गया मैक्रो, सो ऑल द मैक्रोस विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर, सपोज राइट नाउ आई क्रिएटेड ओनली वन मैक्रो, सो इट इज डिस्प्लेइंग वन मैक्रो, सपोज 10-20 मैक्रो यू हैव क्रिएटेड फॉर डिफरेंट फाइल्स,
तो 10 माइक्रो जो आपने क्रिएट किया ऑल द 10 लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर, उसमें से जिस पे आप यूज करना है उस माइक्रो को चूज करके रन क्लिक करना है, क्लियर? ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, तो आई एम गोइंग टू क्लिक रन, है ना? अच्छा रन भी है, और दूसरा ऑप्शन क्या था, कंट्रोल ई, परहैप्स हम लोग वो यूज किए थे कंट्रोल ई, तो कंट्रोल ई करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेलेक्ट करके वी आर गोइंग टू क्लिक रन। दो ऑप्शन हमने चूज किया था, एक तो शॉर्टकट की वाला किया था, एक रन। तो चलिए पहले अभी जो दिख रहा है वो करते हैं, रन क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे ही मैंने रन क्लिक किया तो देखिए ये पूरा का पूरा अपने आप सेग्रीगेट करके मुझे दे दिया, जो पहले मैंने इस सीट में किया हुआ था ये सारा चीज इस रिकॉर्ड के लिए, वो रिकॉर्ड उसने यहां पर सेग्रीगेट, देखिए लाइन भी इसने वो किया है, ये सारी रिकॉर्डिंग उसने किया था, 10 रिकॉर्ड है तो 10 रिकॉर्ड के लिए पूरा लाइन उसने ड्रॉ किया, SN अपने आप उसने डाला, देखिए यहां पर भी SN अपने आप डाला। अच्छा इसको मैं बड़ा कर दूं ना, SN देखिए उसने अपने आप डाल दिया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स में वही यूज किया उसने कि ग्रेटर देन 60 है उसको हाईलाइट करनी है तो उसको हाईलाइट कर दिया। तो बार बार मुझे ये करने की जरूरत नहीं है ना, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ एक्सेल सीट है और मुझे देखना है कि वो मैनेजर मेरे को हर सप्ताह यही काम करवा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि एक उसका मैक्रो क्रिएट कर दूंगा और खाली मैक्रो को जाके रन कर दूंगा उस एक्सेल सीट में, क्लियर? मैनेजर भी खुश कि बाप बहुत इतना इतना काम दे रहा हूं उसको, इतना मेहनत से कर रहा बंदा और इतना सारे डेटा के लिए कर रहा, सही सही करके ला रहा है, और जबकि आपने एक बार मेहनत किया और बाकी उस मैक्रो को खाली रन करा दिया, क्लियर? मैनेजर भी खुश। तो ये है मैक्रो का मेन इंपॉर्टेंस, ये है कि वी आर गोइंग टू रिपीट द रिकॉर्ड, रिपीट द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर एक्सेल सीट। जैसे यहाँ पर कुछ परफॉर्म किया मैंने, उसको रिपीट कर सकता हूं मैं, एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला और एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेटिंग जो भी आप इसमें करेंगे रिकॉर्डिंग, वो सारा का सारा दूसरे डेटा के लिए भी रिकॉर्ड हो जाएगा जो भी हमने किया, या और करेंगे उसको नेक्स्ट सीट में करेंगे, जितने बार करेंगे उतने बार वो मैक्रो रिकॉर्ड रहेगी आपके अंदर। ये अच्छा विजुअल बेसिक के केस में, इसको भी मैं हटा रहा हूं, विजुअल बेसिक के केस में जो था ये चीज, ये भी देख लीजिए, जो विजुअल बेसिक क्लिक कर रहा हूं तो इसके अंदर आपको जो हमने क्रिएट किया हुआ है मॉड्यूल 1 के नाम से, तो ये इसकी आपकी कोडिंग आ जाएगी। सो हियर आल्सो यू कैन चेंज द कोडिंग, देखिए नाम अजय सिंह, राहुल कटारिया, मुकेश राव, जो जो मैंने लिखा था वो सारा चीज इसके अंदर आ गया, क्लियर? आपको रेंज बढ़ाना है तो यहां पर देखिए कहीं एरे का रेंज भी होगा, देखिए एरे ARRAY, तो यू मे इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज, है ना? कि कहां से कहां तक, A1 से C10 तक जाना है, 10 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, आपने देखा होगा ना 10 रिकॉर्ड के लिए किया था, तो पहला से 10 तक सेलेक्ट किया था, तो ये रेंज आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं, है ना? इसके अंदर कुछ और इसमें अमेंडमेंट चाहिए, बोल्ड ना करके, जैसे यहां पर हमने बोल्ड किया था तो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, वो फॉन्ट बोल्ड हो गया, विड्थ हाइट कुछ चेंज किया था वो भी रिकॉर्ड कर लिया इसने, कि उसको बढ़ाया था घटाया था, ये सारी रिकॉर्डिंग जितने भी मैंने किया होगा उसके अंदर वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसमें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन चेंज, यहां से भी चेंज करके आप सेव कर सकते हैं, एंड दीज आर कमेंट, जो एक सिंगल लाइन सिंगल डॉट में है उसको कमेंट बोलते हैं। और शॉर्टकट की देखिए क्या लिखा था हमने, कंट्रोल ई, मैक्रो का नाम क्या था, ये मैक्रो का नाम है। सो दीज आर कमेंट, मतलब कंप्यूटर इसको बाईपास कर देगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट दिस हाई लेवल इनटू लो लेवल लैंग्वेज, 0101 कोडिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 01, है ना? जो भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज तो वो 0101 कोडिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा, जब मैं इसको कमेंट कर दूंगा, अगर सिंगल कोट्स में डाल दूंगा तो इसको, है ना, सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा, कमेंट मतलब कंप्यूटर इसको बाईपास कर देगा, रीड नहीं करेगा, दिस इज जस्ट मेयरली फॉर आवर इंफॉर्मेशन, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी कोडिंग नहीं है। तो ये था आपका विजुअल बेसिक वाला पार्ट। अब वापस आते हैं,